पर ये दूसरी लहर, 24 घंटे में 2,81,386 नए मामले। कोरोना पर सीएम योगी का एक और वार, मेरठ मंडल में लगाए जाएंगे 35 नए ऑक्सीजन प्लांट। कासगंज में कोरोना संक्रमण में भाजपा विधायक की पत्नी की मौत, आगरा में चल रहा था इलाज। लखनऊ में इलाज के लिए दर दर भटकता रहा मरीज, नहीं पसीजा डॉक्टर का दिल। नोएडा में आज से कार में बैठकर लगवाएं टीका, डीएलएफ मॉल और ग्रेटर नोएडा स्टेडियम में ड्राइवर इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू। लखनऊ में कोरोना से मौतें अभी भी बेकाबू, 24 घंटे में 550 के नीचे संक्रमित 20 की गई जान। यूपी में बंद होगी रोडवेज की रात्रिकालीन बस सेवा, 40% से कम यात्री वाले रूटों पर नहीं चलेंगी बसें। बरेली डेलापीर सब्जी मंडी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, कोविड गाइडलाइंस का मंडी में नहीं हो रहा पालन। बरेली जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ड्यूटी को लेकर आपस में भिड़े दो सिपाही, वीडियो बनाने पर युवक से की बदसलूकी, एसएसपी को सूचना देने पर अस्पताल छोड़ भागे दोनों पुलिसकर्मी। यूपी के बलरामपुर में चुनावी रंजिश को लेकर भिड़े प्रधान और पूर्व प्रधान के समर्थक, दो की मौत कई घायल। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।